अभी तक तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं कि मेरी सर्जरी भी हो गई है। 3 महीने से 3 महीना हो गया सर्जरी को। मैं सर्जरी आगे यहाँ से वहाँ गया घर पे, और वो जैकेट भी पहनना था, तब भी पता नहीं चला घर वालों को। अभी तक पता भी नहीं है, 3 महीने हो गया, सर्जरी कंप्लीट भी हो चुकी है। हेलो, मेरा नाम जीवन कुमार शर्मा है, मैं जयपुर से हूँ, और मुझे टीनेज से ही गायनेकोस्टोमास्टिया की दिक्कत थी। और 10-12 साल पहले मैं इतना जानता भी नहीं था, पर मैंने गूगल पे सर्च किया और तब मैंने देखा भाई गायनेकोस्टोमास्टिया कोई दिक्कत होती है, ये अर्ली टीनेज में हो जाती है, ये शायद हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से होती है, या तो ये ऑटोमेटिक सही हो जाती है तभी टीनेज के टाइम पे, और यदि नहीं होती है तो फिर ग्लैंड के रूप में परमानेंट हो जाती है। आप चाहे कितने भी एक्सरसाइज कर लो ये सही नहीं होगी, क्योंकि इसमें ब्रेस्ट ग्लैंड होती है आपके, इसके अंदर ये केवल सर्जरी से ठीक हो सकती है। उस टाइम पर 10-7 साल पहले मुझे इतना पता नहीं था, तब मैंने जयपुर में डॉक्टरों को भी दिखाया पर वो इतना समझा नहीं पाए मुझे, और मैं इतना छोटा था तो ध्यान भी नहीं था मुझे। और इसके बाद में मैंने अभी पिछले साल यूट्यूब पे डॉक्टर अमित गुप्ता जी का वीडियो देखे, और यहाँ पे मैंने कई रिजल्ट भी देखे जो कि बहुत बढ़िया थे, तो मैं दिल्ली आया यहाँ पे और इनको दिखाया, तो अभी मैंने बोला कि भाई एक दिन में हो जाएगा, और यहाँ मैं फिर मैं अकेला आया और एक दिन में ही मेरा प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें ना तो कोई दर्द हुआ और ना ही कोई प्रॉब्लम हुई, एक दिन में ही मैं फ्री हो गया। और इसके बाद में आज 3 महीने बाद में मैं वापस आया हूँ, तो मेरा चेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है। यदि कोई दिक्कत रह जाती है बाद में भी तो ये ठीक कर देते हैं, माइनर दिक्कत वैसे तो कोई रहती नहीं है, और इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। गायनेकोमेस्टिया हो सकता है, कभी कभी हो जाता है, हार्मोन इम्बेलेंस की वजह से किसी में भी हो सकता है, और डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं अकेला आके सर्जरी करा सकता हूँ, तो आप भी करा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास तो मेरी सैलरी लगी, जॉब लगी है, तो मैं अभी तक तो मेरे घर वालों को पता भी नहीं कि मेरी सर्जरी भी हो गई है। 3 महीने से 3 महीना हो गया सर्जरी को। मैं सर्जरी आगे यहाँ से वहाँ गया घर पे, और वो जैकेट भी पहनना था, तब भी पता नहीं चला घर वालों को। अभी तक पता भी नहीं है, 3 महीने हो गए, सर्जरी कंप्लीट भी हो चुकी है।